आज LNJP हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कोरोना के हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि नए नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, तो अभी तक हम लोग केंद्र सरकार की जो लैब है NCDC उसी के ऊपर निर्भर होते थे। हमें अपने सारे सैंपल उधर भेजने पड़ा करते थे। अब LNJP के अंदर आज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन खरीदी गई है, जेनेटिक एनालाइजर, जी सर। जेनेटिक एनालाइजर। और इस मशीन के ज़रिए हम कोरोना के जो भी वेरिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना अभी है या भविष्य में कभी फैलेगा तो उसका कौन सा वेरिएंट है दिल्ली के अंदर। अगर हमें वेरिएंट पता चल जाता है तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलती है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी, आज LNJP हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा शुरू हो रही है, ये मशीन आज से चालू हो रही है। और मुझे बताया गया कि शायद नॉर्थ इंडिया में ये तीसरी ऐसी फैसिलिटी है। दिल्ली के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा।